पेश है गुड मॉर्निंग जे एंड के। नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग जेन के प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। इस ठंडी ठंडी सुबह में कोशिश हमारी यही है कि आपके जहन में थोड़ी सी गर्माहट भर दें अपने प्रोग्राम के जरिए। और अक्सर बेशतर आपने देखा होगा कि वो कहते हैं ना कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ से होती हैं। अगर आपके जहन में आप समझते हैं कि गर्माहट है तो आप गर्माहट फील करते हैं, और अगर आप जहनी तौर समझते हैं कि ठंड है और जितना आप इसे महसूस करते नहीं हैं उससे ज़्यादा आप इसे ज़हनी तौर ऑब्जर्व करते हैं। तो कोशिश करें इस ठंडे ठंडे मौसम में हमारे इस प्रोग्राम को एंजॉय करें चाय की चुस्कियों के साथ। नाज़रीन मोहतरम, आज इस प्रोग्राम के मेज़बान मैं आपके साथ हूं तबरेज़ मदनी, और मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी माजिदुल खैर नंदा। अस्सलाम वालेकुम। तबरेज़ भाई कैसे हैं? अल्लाह का करम, माजिद कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सब ठीक है, शुक्र शुक्र अल्लाह का। तो नाज़रीन, दूरदर्शन के श्रीनगर स्टूडियो से हम लेकर आए हैं आपका मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के। हमें उम्मीद है आप सब बख़ैर आफियत होंगे। एक नए प्रोग्राम है और उम्मीद यही कि इस नए दिन की नई सुबह आपकी जिंदगी में एक नया बहार ले आए, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां भर दे। आमीन। तो तबरेज़ भाई, जैसा आपने कहा कि इस पे एक एक एक, 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 एक राइटर है, वो लिखते हैं कि सारी चीज़ें जो हमारी जिंदगी में होती हैं उसकी जो बुनियाद होती है इनसाइड आउट अप्रोच होता है। yes. कि जो आप अंदर से सोचते हैं वही फिर बाहर आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि यू शुड बी लव्ड, यू शुड स्टार्ट लविंग योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आप चाहते हैं कि यू शुड बी ट्रस्ट, यू शुड ट्रस्ट योर सेल्फ फर्स्ट। तो इसी तरीके से जो भी आप चीज़ को लेते हैं, और एक है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी वेयर इन बिलीविंग समथिंग टू बी ट्रू हैपन्स टू बी ट्रू। अगर आप इरादा करते हैं कि बाहर ठंड नहीं है तो ठंड महसूस होगी ही नहीं होती। तो इस हवाले से, क्योंकि सारी जो नाज़रीन जो हमारी इंटरनल और जो हमारी प्राइमरी नेगोशिएशन होती है हमारे जहन में ही होती है, और हम जो अपने जहन में इरादा बिठा लेते हैं तो वैसे ही हमारे सामने हालात भी खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही। और एक एक दिलचस्प छोटी सी कहानी है तमरेश भाई, मैं आपके सामने और अपने नाजरीन के साथ भी ये शेयर करना चाहता हूँ कि एक बार एक इंसान कुछ खाने पीने का सामान अपने घर के लिए ले जाता है, तो आलू वगैरह होती है। जब वो घर पहुंचता है तो उनकी जो बेगम है वो देखती है वो सारी चीज़ें खराब पड़ी रहती है। वो कह रही है मैंने तो उससे पूछ के बताया था, उसने बताया ये सारी चीज़ें साफ मैंने रखी हुई है। अब ये इंसान ये सारा ये अपनी बेगम से कहता है कि आप ये सारी चीज़ें ठेले में वापस डाल दो, मैं वापस चला जाता हूँ। तो जब ये वापस आ रहा होता है इसके पास, तो ये जहन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है कि अगर वो नहीं मानेगा तो मैं उसके साथ लड़ाई करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, अगर उसने पैसे मना कर दिए वापस देने से। तो अब जब ये दुकानदार के पास फिर से हाजिर हो जाते हैं तो कहते हैं कि आपने तो बहुत गलत करा, और ये दुकानदार सॉरी कह के माफी मांगते हैं। कहते हैं मुझे खुद भी ध्यान नहीं रहा कि मैंने इस थैले में ये खराब चीजें पड़ी हुई, मैं बहुत, तो उसने जहन में बहुत सारे इरादे कर दिए थे कि मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, उसके सॉरी बोलने। तो लिहाजा हम अपने जहन में जब 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 इरादे लाए, पॉजिटिव लाए, तो हमारी जिंदगी में भी पॉजिटिव चीजें आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। और नाज़रीन, जो ये पॉजिटिविटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पॉजिटिविटी हम सिर्फ बोलने तक ना महदूद रखें, इसे फील करना शुरू करें, और इसको अगर हम खुद अमली तौर अपनाएंगे आप देखेंगे कि जिंदगी बड़ी ही आसान और बड़ी खुशगवार लगती है। और आजकल के इस भागते दौड़ते सफर में, आजकल के इस भागते दौड़ते जिंदगी के सफर में हम अक्सर देखते हैं कि सब लोग अपनी अपनी धुन में मस्त हैं। बिल्कुल, सब लोग कहीं ना कहीं, और सब लोग बिजी किस में है, मोबाइल फोन में बिजी है।
वो मैंने कहीं कोट पढ़ा था कि स्पेंडिंग टाइम ऑन योर चिल्ड्रन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पेंडिंग मनी ऑन देम. तो बिल्कुल पैसे की जरूरत नहीं है, आप क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को दें. सही. और अगर आप क्वालिटी टाइम बच्चों को देते हैं, आप देखें कि कितना फर्क आप महसूस करेंगे. बच्चे तभी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं जब आप उन्हें वक्त नहीं देते. और इस मोबाइल की वजह से उनके जहन पर कितना असर पड़ता है ये हम सब लोग जानते हैं. बिल्कुल. और आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ये जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल है छोटी उम्र के बच्चों में उनके जहन पर बहुत बुरे असरात डालता है. बिल्कुल. इसलिए कोशिश कीजिए कि हम कम से कम इस्तेमाल मोबाइल फोन्स का करें. और जब हम कम से कम मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल खासकर घर पे करेंगे तो हमारे बच्चे हमें देखकर वही चीज अपनाएंगे, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो बड़े बड़ों को करते हुए देखते हैं. सुनो कशिर पट बना तमाम क्वाकर तछान ते पूत हिचान ते अगर क्वाकर तछ न किए ते पूत हिच न किए तो तम थे तो थोड़ा ख्याल खर यत प्रोग्राम सुन वरीह के आसान तो दे बापा नाजरीन मोहतरम आगाजस मन शेस खास डल हतीवान सो डल छ आज तैस निश तैयार आज छ डॉक्टर शाइस्ता अहमद ने हाइटे आ खूबसूरत डल वली तु ते गसो महसूस Thank you.
नाज़रीन वेलकम बैक। ये खूबसूरत सा नगमा डॉक्टर शाइस्ता की आवाज़ में, हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि आज दिसंबर महीने की 18 तारीख है और इस दिन को पूरी दुनिया में वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज डे के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन का आगाज़ 1982 में हुआ जब पहली बार इस जबान को अरबिक जबान को UN सिक्योरिटी काउंसिल में वर्किंग ग्रुप के लैंग्वेज के तौर पर मुकर्रर किया गया, तस्लीम किया गया। तो आपकी जानकारी के लिए मैं और साथ साथ में बता दूं कि UN में आज भी 6 लैंग्वेजेस खाली जो अप्रूव्ड हैं, जो वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, मुकर्रर की गई हैं और अरबिक भी उसमें एक लैंग्वेज है। और जो 5 लैंग्वेजेस हैं वो आप ज़रूर जानिएगा क्योंकि अक्सर और बेशतर इम्तहानात में भी पूछा जाता है। इसके साथ साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस शरीफ है, वो कहते हैं अना अरबियुन वल कुरान अरबियुन वलिसान अहल जन्नत अरबियुन। आई एम एन अरब, कुरान इज़ इन अरबिक एंड द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ पैराडाइज विल बी अरबिक। नाज़रीन जहाँ हम इतना स्ट्रेस कर रहे हैं कि अंग्रेज़ी हमारे बच्चे सीखे, कश्मीरी और उर्दू के साथ साथ हमें इस बात पे भी जोर देना चाहिए कि हमारे बच्चे अरबिक भी सीखे। आज ये अहद करते हैं कि हम अपने बच्चों को अरबी सीखने की तलकीन करें और इसके साथ साथ ये फलसफा भी जुड़ा हुआ है कि जब हम अरबी ज़बान को सीख रहे हैं तो इससे हमारा जो मॉरल कंडक्ट है और जो हमारा अल्लाह के साथ जो रिश्ता है वो और गहरा होगा। नाज़रीन ये कुछ बातें और प्रोग्राम में आज और भी बातें करेंगे। आज आपकी मुलाकात हमारे मेहमान से भी करेंगे, हमारे मेहमान वो तशरीफ़ ला चुके हैं लेकिन एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के उस पार आपकी आज के मेहमान के साथ मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है, इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ। हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर OPC सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। OPC ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है हर पेमेंट, उंगलियों पर सेट है, लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी, 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकने रहिए। कश्मीर एक नाम, एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सर आपका KYC अपडेट करना है नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार,
होशियार। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। आरबीआई कहता है, जानकार बने, चौकन्ने रहे। گٹہ مزن یی زن گاش اس روزن پگہچ آش اس رشتن برہو گوڈ اس پکھن کڑہو واش سیمٹیکس سیمنز رشتن ہز مضبوط عمارت ناظرین تجارتی وقف پت تہن بے خیر مقدم تہس پنس من پسند بریکفاسٹ شوس مز آ گڈ مارننگ جین کے ناظرین اس کن زن تہ ماج دن اوتان تی ون زی آز کرناو اس ملاقات تہنز پنس خاص مہمان سی ناظرین محترم آج سنس سٹوڈیوس مز تشریف فرما سن خاص مہمان یہند تعلق ایڈوکیسی سے ان ناو ایڈوکیٹ جناب عبدالعزیز تیلی صاحب تیلی صاحب تہن سٹھا سٹھا خیر مقدم سٹوڈیوس مز السلام علیکم تو استقبال چھو اس ٹھنڈ کے موسم میں صبح صبح ہم نے آپ کو دعوت دی اور آپ کو آنا پڑا تو ہم بہت ہی شکر گزار ہیں یہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں چند لمحے نکال کے ہمارے ساتھ گزارنے کے لیے یہاں آئے آپ کا بڑا شکریہ اور استقبال ہے تو سب سے پہلے ہمارا یہی سوال ہوگا کہ جو ناظرین ہمیں دیکھتے ہوں گے ان کو اشتیاق ہوتا ہے کہ یوسف پوسچ آمد تم سندر تھوڑا تعارف کہ آپ کا بچپن آپ کا تعلیم و تدریس کا سلسلہ کیسا رہا تو ایک کا تجائب تہندی زندگی ان سفر کیوں ترود تھوڑا وہ انتو اتمسن تو اس کے بعد جو آپ کے دیگر ہے آپ جو سماجی کارکن یا صنف نازک کی دیکھ بھال کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں ایڈوکیسی کے ساتھ ساتھ اس کے بعد اس پہ بات کریں گے گڈ ونتو پانس متعلق تھوڑا ماجد صاحب پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی خوش قسمت تاکہ میں اپنی زندگی میں جو اچیومنٹس یا کچھ اور حاصل کیا ہے اور اسپیشلی فار سوسائٹی اگر میں نے کچھ تھوڑا سا کیا ہے تو آپ کے لیے اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں تو آپ نے میرے پوچھا ہے کہ میں کہاں پیدا ہوں میں سری نگر کی ڈاؤن ٹاؤن کا ایک علاقہ ہے چھتا بل بڑا علاقہ ہے اس میں ایک محلہ ہے پتلی پورا بالا چھتا بل بیچ کے سامنے ہی تو اسی محلے میں میرے والد صاحب ایک میٹل کلاتھ بزنس مین تھے تو بزنس ہمارا تھا کہ آئل پروڈکشن کھانے کا تیل کا جو پہلا کشمیری کولو سسٹم ہوتا تھا تو اس بزنس سے تعلق ہم رکھتے تھے تو لہٰذا میں نے وہی جنم لیا تو پھر میرے والد صاحب نے مجھے وہاں چھتا بل میں ایک گورنمنٹ ہائی اسکول چھتا بل تھا وہاں لیا مجھے یاد ہے آج بھی ہاتھ کو پکڑ کے اس نے مجھے لیا اور جوائن کیا وہاں پہلی جماعت میں تو میں جوائن ہوا چھتا بل میں پھر میٹرک میں نے اسی اسکول سے پاس کیا میٹرک کے بعد میں نے ایڈمیشن لیا گاندھی میموریل کالج سری نگر میں تو وہاں سے میں نے گریجویشن کی گریجویشن کے بعد انیشلی میں سروس کی تلاش میں تھا جیسا کہ ہر ایک بچہ ہوتا ہے بالکل یہ آپ کس سال کی بات کر رہے ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں 1974 کی بات 1974 کی بات 75 میں ایمرجنسی بھی ہوا تھا گریجویشن نہیں وہ 75 کی بات ہے تو 4 کی بات ہے میں نے گریجویشن کی تو یونیورسٹی میں میں نے اپلائی کیا لا میں لیکن ایڈمیشن نہیں ملا اس وقت تو میں سروس کی تلاش میں رہا لیکن ساتھ ساتھ میرے والد صاحب نے گھر میں کارپیٹ بزنس بھی میرے دوسرے بھائیوں کے ساتھ شروع کیا تھا تو میں نے ان کا ساتھ بٹیا تھا کہ ہر ایک بچہ بالکل اپنی فیملی والد کا ہاتھ بٹاتا رہتا ہے بالکل ان کے بزنس میں بھی میں بچپن سے ہی ذمہ داریوں کے ساتھ گھر کی ذمہ داریاں لی تو بعد میں 1978 میں پتہ نہیں اللہ تک کے فضل سے لیکن ایک اسپیکٹ تھا مجھے محلے میں بھی کہ میں محلے کی خدمت کرتا کرنے میں اپنے یہ یقین رکھتا تھا تو مجھے سوسائٹی کو سرو کرنے کا ایک انسٹنکٹ میرے میں تھا تو مجھے چانس ملا کہ ایک الیکشن ہوا میونسپل کاؤنسل سری نگر کا ان دنوں پریزیڈنٹ میونسپلٹی ہوتا تھا میئر نہیں ہوتا تھا کارپوریشن نئے تھی تو مجھے بھی مینڈیٹ ملا تو میری عمر اس وقت 20-21 سال کی تھی تو میں نے کنٹیسٹ کیا الیکشن تو میں جیت گیا تو بن گیا میں میونسپل کاؤنسلر اور میرا جو سوسائٹی میں ہیلپ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا یہ میونسپلٹی کی وجہ سے ہوا کیونکہ میونسپلٹی میں میرے خیال میں جو کامیاب نکلے گا وہ ہر جگہ میدان بیسک فیسلٹی ہوتی ہے میونسپلٹی میں
तो फिर 1905 साल रहा, फिर दूसरी बार इलेक्शन हुआ तो अनकंटेस्टेड हुआ मैं दोबारा, फिर से तो 83 तक तो मैं म्यूनिसिपल काउंसलर रहा। लेकिन मेरी जिंदगी में एक चेंज आई उसी से कि मैंने लोगों का काम उसी वक्त शुरू किया, क्योंकि उस वक्त इतना फॉरवर्ड नहीं था हमारी सोसाइटी, आज इक्विपमेंट्स नहीं थे जो आज इलेक्ट्रॉनिक दौर है, तो उस वक्त सिंपलिसिटी थी। तो महल में बिजलियां नहीं हुआ करती थी। मैं एक बात बताऊंगा, हमारा काम होता था म्यूनिसिपलिटी में कि बिजली के लैंप पोल पे छोटा सा लैंप लगा थे, आज तो ये बड़े बड़े मॉडर्न किस्म के हैं जी। तो यकीन नहीं करेंगे, मैं रात को जाता था कि इस पोल के पास ये नहीं है, चेक करने। हाँ, शादी भी नहीं थी तो काम और नहीं कुछ था, तो लेकिन सोशल सर्विस थी जी। तो इस बारे में बचपन में उसी जवानी में ऐसे ही लोगों के मसाइल होते थे, मेरे घर आते थे, उनको आपस में अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते थे उनको मिलाना, उनके मसले हल करना, ये मुझे उसी वक्त मिला। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं तो क्यों ना मैं लॉ करूं। तो खुशकिस्मती से मुझे 1978 एंडिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में लॉ में एडमिशन हुआ। हालांकि उस वक्त मैं काउंसलर भी था, तो साथ साथ मैंने लॉ कंप्लीट किया। तो कश्मीर से 1983 में लॉ में नहीं हुआ, आई ज्वाइन द जे एंड के हाई कोर्ट बार हेयर, प्रैक्टिस शुरू की। तो हमारे एक वकील साहब हैं, सीनियर थे उस वक्त मेरे 2-4 साल, मिस्टर मोहम्मद साहब कादरी, जो बाद में एडवोकेट जनरल भी बने, उसके साथ में 1-2 साल हम पार्टनरशिप में रहे। तो फिर मैंने अलग प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो पहले पहले मैं ये सिविल केसेस ज़्यादा करता था, तो लेकिन अलग तो फजल से प्रैक्टिस भी चली। लेकिन एक बात सही मैं ईमान से बताऊँगा कि मैंने प्रैक्टिस को भी लिया एज सोशल वर्क में, इसमें भी कर सकते हैं। अमہ برونہہ کس کرو مزید کتھ تہندے ساتھ سفرس متعلق اس تو ایک ذکر کرو کہ تو اس لکچار پان پٹھے شوق کہ لوکن ہز خدمت کریں، سوسائٹی سرو کروں، سوشل سروس کروں، تم پت کرو تو ہے ایل ایل بی کرو تو کشمیر یونیورسٹی پٹھ صحیح۔ اگر تو شوق کوس کہ بحث کرہا سوشل سروس، تو کیا اس کرو سوشل سروس ہی پریفر کہ پڑھائی تے کریو سوشل سروسز؟ اس میں دو باتیں ہیں جی۔ सोशल सर्विस करने के लिए मेरे ख्याल में पहला इंसान को खुद के फील होने चाहिए, अपनी आमदनी जब तक हो आप दूसरी की खिदमत कैसे कर सकते हैं, पहले तो अपना पेट अपना आयाल पालता होता है ना। तो मैंने मेरे ख्याल में मुझे ये लगा कि अब मैं वकालत अगर मैं शुरू करूं, वकालत भी एक बहुत बड़ा जरिया है मेरे समझ में, आप माने या ना माने, कि एक वकील सोसाइटी के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है, ये मेरा तजुर्बा है और आई हैव प्रूव्ड इट। तो इस वजह से मैंने LLB ज्वाइन किया। मैंने कहा एक तो ये मुझे मैं प्रोफेशनल बन जाऊंगा, वकील बन जाऊंगा, अपने तो फील हो जाएंगे और साथ और साथ साथ साइड में सर पर, ये वादा रीजन था। तो जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो फिर 2009 में मुझे ऑफर मिली कि आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर श्रीनगर बन जाए। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो प्रोसिक्यूट द क्रिमिनल केसेस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। Okay. जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उनके खिलाफ चालान अदालत में होते हैं, बड़े बड़े ये हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं। तो क्योंकि मेरा बचपन में जब मैं पिक्चर देखा करता था, मैंने एक पिक्चर देखी थी वक्त फिल्म, उसमें वो सुनील दत्त वकील था, तो मुझे उस वक्त शौक हुआ कि मैं वकील बनूंगा, ये जहन में था। मैंने कहा अल्लाह ने मुझे दिया है ये मौका, तो क्यों ना मैं एक्सेप्ट करूं। तो मैंने एक्सेप्ट किया पब्लिक प्रोसिक्यूटर श्रीनगर। उस वक्त तक बहुत पब्लिक प्रोसिक्यूटर आए थे, तो हर एक का अपना रोल होता है, मैं आई विल नॉट बी अ क्रिटिक टू एनीबॉडी, लेकिन जो भी काम करता है वो तो निखर पब्लिक के सामने आता है। तो 2009 एंडिंग में यहाँ एक केस हुआ, एक लड़की, दो लड़कियां जाती थी यहाँ बागात में, रोमाना मर्डर केस उसको बोलते हैं, तो उनको दो बच्चों ने, वो गाड़ी में थे, उनको कुचल डाला उनमें। तो यकीन ही आप नहीं करेंगे, उस वक्त में पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं था, बार में हम बैठे थे, तो मेरा एक दोस्त था, वो भी एक क्रिमिनल, बड़ा क्रिमिनल लॉयर है इस वक्त, तो उसने कहा ये एक्सीडेंट है। मैंने कहा नहीं, मर्डर है। उसने कहा ना, मैं अगर डिफेंड करूं तो मैं साबित करूंगा एक्सीडेंट है। मैंने कहा काश मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनता तो मैं इसको मर्डर साबित करता। ओके, और इसके 2-3 महीने के बाद मैं बना पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ओके, और ये केस मुझे आया। अच्छा, क्योंकि श्रीनगर के सारे जो केसेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ये हमारे हो जाते थे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के, तो इसमें जब हमने चार्ज में गौरव न्यूसाज थी सेशन जज, तो चार्ज हमने दिया तो इसमें 302 में चार्ज लगा। अच्छा, 302 में RPC में, तो वो अपील में गए हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट ने लेकिन हमारी जजमेंट कन्फर्म कर ली। तो ये केस
फिर उसके साथ साथ बहुत से क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे और उसमें एक केस था शाजिया मर्डर केस, खानियार में लड़की हुई थी जी। क्योंकि मैंने देखा कि सिर्फ लड़कियां कत्ल होती है और किस बुनियाद पर ये नौजवान भाग जाते हैं और कत्ल करते हैं। वो खानियार में एक लड़की कत्ल हुई थी, दो बंदों ने किया था तो उनको अरेस्ट किया गया था। जो मेन एक्यूज उसमें था उसने जेल में ही खुदकुशी कर दी। तो मैंने ये केस बड़े दिल से लड़ा। जब मैंने हमें जब केस डायरी पढ़ते हैं हमें लगता है कि इसकी स्टोरी क्या है, ये दिल को टच कर दिए एक पीपी को। और कामयाबी का राज जो मैं पब्लिक प्रोसिक्यूट का बताऊंगा, इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपकी सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट। नंबर टू आपकी हार्डवर्क होनी चाहिए। ओके, लेकिन इसमें भी जो आपका बड़ा इनिंग रहा है लगभग तकरीबन 40 साल तक आप अभी भी इसके साथ वाबस्ता रहे हैं, आज भी लोगों का जैसे आपने इस तेजाब मामले के बारे में बात की, इस केस को भी तकरीबन इसकी पैरवी आप लगभग 9 साल तक करते रहे और 9 साल के बाद एक जजमेंट आया। तो देर इज अ प्रोवर्ब जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। क्योंकि मेरे ख्याल से टाइम सर एक एसेंस है किसी भी चीज का, वक्त पे कुछ ना आए तो आज भी बहुत सारे केसेस हैं जो पड़े हुए हैं बहुत टाइम तक समाज के लिए, कभी उनकी हेयरिंग आती है कभी नहीं आती है। उसको कैसे देखते हैं आप, आपका जो तजुर्बा है, लोग कतराते हैं, वो कोर्ट में जाने से ही गुरेज करते हैं क्योंकि इस पे तो बहुत ये लंबी इनिंग चलेगी, 10 साल तक केस चलेगा, ये आप कैसे देखते हैं इसको, कैसे सही करने की जरूरत है? जब मैं कह रहा था, जब ये शाजिया मर्डर केस में जो आया, मैंने ये मेरी फर्स्ट कन्विक्शन जिसमें मैंने ये ऑब्टेन की, इसमें फास्ट ट्रैक हमने किया। हमारी एक जज थी वो ये कनीज फातिमा जी, ए वेरी गुड जज, तो उसने इसको गिल्टी करार दिया, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो गई। तो जब इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई तो तहलका मच गया श्रीनगर में कि भाई इस केस में, तो फिर उसमें अपील हुई हाई कोर्ट में, क्या हुआ मुझे पता नहीं है। तो इस वजह से मैं इंकरेज हुआ, तो मैंने सारे ये केस जिनमें जो सोसाइटी को टच करते हैं जी, ओके, उन पर मैंने ज्यादा ध्यान दिया। क्योंकि मैंने आपको कहा सोसाइटी सोशल सर्विस का, तो मैंने कहा यह मेरे लिए एक जरिया है मिशन को लेकर, मैं सोसाइटी में एक मैसेज दूं ताकि ऐसे क्रिमिनल्स को छोड़ा ना आगे, और आगे कोई कोशिश भी ना करे। मुझे ग्रो हुआ, मैं उसके साथ हुआ। तो जब फिर बहुत से मर्डर केसेस आए, एनडीपीएस केसेस आए, और यकीन ना करेंगे आप, एनडीपीएस केसेस में इतना कंटेस्ट मैंने किया कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में एनडीपीएस कारोबार ही बंद हुआ। ओके, बेल ही नहीं होती थी किसी को, इतना मैं कंटेस्ट करता था। क्योंकि मैं समझ सकता था जिसका बच्चा ड्रग्स में मलबा हो तो उस फैमिली का क्या हाल, फैमिली तबाह हो जाए, क्या हाल होता। मैंने बहुत से केसेस देखे क्या हाल होते हैं, बाप बाप कितने परेशान होते हैं। तो इस वजह से ये सीरीज मैंने, तो बहुत ये सिलसिला शुरू रहा। तो एनडीपीएस केसेस में कन्विक्शन हुए, रैप केसेस में ये हुए वहाँ, तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर मैं 2014 तक, तो 15 तक मैं काउंसिल ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर था। इस दौरान तकरीबन मैंने 30 से कन्विक्शन हासिल किए हैं। और मैं बड़े वसूख से कहूँगा, मेरे ख्याल में जैन की हिस्ट्री में जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहा है, ये हिस्ट्री किसी भी इतने कन्विक्शन का नहीं किया है, वो भी सिर्फ सोशल एस्पेक्ट में, बट बिकॉज आई हेट क्राइम फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। जस्ट लाइक वो तो हेट करने की जरूरत है, वी ऑल शुड हेट क्राइम। तो अब आपने पूछा मुझे ये एसिड केस के बारे में, इसी में 2010 में एक एसिड केस हुआ यहाँ, क्योंकि यहाँ आम कश्मीरी होते नहीं थे, बिल्कुल कश्मीर में ये बहुत कम था ये रवैया। तो जो आजकल हो रहा है, यहाँ माँ बेटा बाप को मार रहा है, बाप ये होता नहीं था, एसिड की तो बात ही नहीं। तो छानपोरा में एक लड़की पर एसिड फेंका गया, रियाज नाथ था उसका मुल्जिम का, वो तो है वो जेल में है। तो उसकी ट्रायल हमने की विद 6 मंथ्स फास्ट ट्रैक बेस पर। 6 मंथ में उस वक्त पनिशमेंट थी इसमें 326A दिस ये बैद में इंट्रोड्यूस हुआ एसिड में, उस वक्त 307 RPC में, तो उसको 10 साल की सजा हो गई। 307 यानी हाफ मर्डर, हाफ मर्डर अटेम्प्ट मर्डर। तो उसमें उसको 10 साल की सजा आई, तो वो 10 साल उसने निकाले हैं जी, मेरे पास अब वो रिलीज हुआ होगा। तो ये पहला एसिड केस था, उस वक्त भी उसकी सोसाइटी ने बड़ा हेल किया जब पहली बार किसी एसिड। तो मैंने सर्वे किया, जब मैं बहस कर रहा था कि एसिड केस की हिस्ट्री क्या है वर्ल्ड में, तो मैंने पाया बांग्लादेश में सबसे ज्यादा वर्ल्ड में एसिड विक्टिम्स हैं वहां पे। फिर वहां लेजिस्लेशन आई, उसमें डेथ पेनल्टी रखी उन्होंने, ओके, डेथ पेन, और वहां इसका ग्राव डाउन हो गया। सो मैंने सोचा कि इसमें डेथ एंड पनिशमेंट होनी चाहिए। तो जब उस एसिड केस में मैंने भी एक लेटर लिखी लॉ डिपार्टमेंट को
कि एसिड केस के लिए कैपिटल पनिशमेंट रखी कैपिटल पनिशमेंट okay. तो ये सेंटर में भी पॉइंट हुआ, एक है निर्भय, ये एक केस है वहाँ कर्नाटका में हुआ था, मुझे याद नहीं इस लड़ी का, उसने एंड तक लड़ा है, तो उसकी वजह से आरपीसी में सेक्शन 326A हुआ है स्पेशली, तो उसमें इसकी मिनिमम पनिशमेंट रखी गई 10 साल और मैक्सिमम रखी गई लाइफ तो केसेस बढ़ता जो है, तो मैंने एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर जान से काम किया, इसका असर सोसाइटी पर बहुत पड़ा। तो हर और एक मैं एक केस फेमस बताऊंगा, एक डॉक्टर और एक नर्स जो ये सेक्स डिटरमिनेशन होते थे लड़का है या लड़की है, वो ये कारोबार करता था, उसके खिलाफ चालान मेरे कोर्ट में हुआ। तो मैंने कहा ये तो एंटी सोसाइटी है, ये तो तमाम चीज अन इस्लामिक, अब हम पेट में ही बच्चे को मार रहे हैं, तो उसको भी मैंने सजा दिलाई है 10 साल। बहुत 10 साल में। तेली साहब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी छोटे मोटे वजह से शिकार हो जाते हैं इन हालात का, चाहे कहीं किसी बच्ची की यूटीजिंग होती है वहां से आगाज होता है, लेकिन वो कभी भी कोर्ट की तरफ नहीं आते या वो कभी भी नहीं जाते कोर्ट की तरफ। दो वजह होती है, एक ये डर लगा रहता है कि बदनामी होगी, दूसरा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जो लोग इन हालात से गुजरते हैं उनके लिए कोर्ट में क्या प्रोविजन है? आई विल कम टू योर पॉइंट फॉर मे जी साहब के बयान के एसिड केस के बारे में। तो 2014 में मैं प्रिंसिपल कंटिन्यू था, तो एक एसिड केस हुआ नवशहर में जो लॉ कॉलेज है वहाँ की एक लड़की पर एसिड फेंका गया। बिल्कुल। तो इससे इसका चार्जशीट मेरे कोर्ट में हुआ, तो ये लड़की मेरे पास भी आई, एक औसत घराने से ताल्लुक रखती थी। तो जब मैंने इसकी केस डायरी पढ़ी, मैंने कहा कि आप मेरी डॉटर हो, मैं ये केस लॉजिकल एंड तक पहुँचाऊँगा। तो इसमें ट्रायल चली, तो फर्स्ट ट्रैक भी हमने शुरू किया था, लेकिन बदकिस्मती से टर्माइल हुआ, अच्छा गवाह नहीं आते थे कोर्ट में, तो इस वजह से इसमें टाइम लगा 9 साल। 9 साल के बाद जब हमने लास्ट ईयर इसमें हमने आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट किए, आप समझते हैं अब डिले क्यों हुआ इसमें 9 साल, क्योंकि आपने पूछा, इसमें 44 विटनेसेस थे, एक लंबी फरिस्त होती है, तो मुलजिम को भी एक होता है डिफेंस करने का defense. राइट होना चाहिए, ये कांट बी सेंटेंसड अनहर्ड, उसका भी डिफेंस इस तरह प्रोसिक्यूशन को राइट है। तो हमने पहले एविडेंस मुकम्मल कर दी इसमें, फिर उन्होंने तकरीबन 1.5 साल लिया एविडेंस कंप्लीट करने में, तो फिर आर्ग्यूमेंट्स इसमें तकरीबन 6 महीने चले, वेरी सीरियस केस, और लोगों की नजरें इस केस पर थी, सारे सोसाइटी की नजरें इस केस पर थी। तो जब इसमें एक आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट, फिर जज साहब ने इसको रिजर्व रखा फॉर 2 मंथ्स, क्योंकि इसमें टाइम लगता है जजमेंट लिखने में, 48 विटनेसेस का ट्रांसलेशन, फिर इनको जांचना कि केस पॉइंट पर क्या कहा है गवाह ने, तो फिर जजमेंट आई। तो मेरी ख्वाहिश थी कि इसमें कि आई शुड गेट सक्सीडेड इन गेटिंग लाइफ इंप्रिजनमेंट, 10 साल तो इन्होंने नाव तो काटे हैं, ये वापस आ जाएंगे। तो फिर जब जज साहब ने रिजर्व रखा, फिर इसके बाद जब इसने हेल्ड किया उनको गिल्टी, उसके बाद एक दूसरा स्टेज होता है कि इस पर क्वांटम पर बहस करनी होती है, अच्छा या 10 साल दे देंगे या लाइफ इंप्रिजनमेंट। तो मेरे ख्याल में मैं जब ये फैसला आया सारी सोसाइटी में, मैंने सोशल मीडिया पर देखा, इतना मैंने किसी केस को हेल करते हुए नहीं देखा, बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे थे, बहुत से जर्नलिस्ट आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि इतने इसको हेल किया गया थ्रूआउट इंडिया, इवन फॉरेन से भी ये हुआ है, तो अब इस पर क्वांटम पर बहस करनी थी। तो मैं बड़ा तो सीरियस था कि मैं कन्विक्शन कैसे इसमें लाइफ लाऊं। तेली साहब आपने क्वांटम की बात की, इस क्वांटम पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला है एक वक्फे का, यहाँ तजारती वक्फे के रुकेंगे, वक्फे के उस पर बात को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे इस क्वांटम पे जो बहस हुई वो क्या थी। गटि मजन यी जुन गाश ऐसे रूजिन पगहच आश ऐसे रिश्तन बरहव गोड ऐसे पखन कढ़व वाश सेमटेक्स सिमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत।
वरदान टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की तरफ से वादी के बेऔलाद जोड़ों के लिए खुशखबरी। वरदान आईवीएफ सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर में 21 दिसंबर को वरदान सेंटर्स। जालंधर और अमृतसर के डॉक्टरों की पूरी टीम मगरमलबाग श्रीनगर में स्पेशल आईवीएफ डिस्काउंट कैंप मुनक्किद कर रहे हैं, जिनकी सरबराही वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश कर रहे हैं। डॉक्टर वरीश के इलाज से पिछले 3 सालों में हजारों बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग रोशन हुआ है। अगर आप भी औलाद की खुशी पाना चाहते हैं तो 21 दिसंबर बरोज जुमेरात वरदान आईवीएफ सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर तशरीफ लाएं। कंसल्टेशन के लिए राबिता कीजिए 7814792726। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ। हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट। घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। तिजारती वक्फे के बाद आपका एक बार फिर इस्तकबाल आपके फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जेएनके में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के हमारे मेहमान एडवोकेट अब्दुल अजीज तेली साहब से, और उनसे जानते हैं कि वो जो जिक्र हो रहा था क्वांटम का, जिस पर बहस होनी थी, क्या था फिर उसके बाद जो क्वांटम में मैंने आर्ग्यूमेंट शुरू कर दिए। जी मैंने 2 मिसालें, एक प्रैक्टिकल एक मिसाल दी। तो मैंने जज साहब को कहा ये वेरी हीनियस ऑफेंस है। पहले जज साहब के ही जजमेंट का मैंने हवाला दिया, उसने एक पैराग्राफ में लिखा था वेरी हीनियस ऑफेंस। जी इस पर मैंने सर्च की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक जब हीनियस हो तो उसको मैक्सिमम पनिशमेंट देनी चाहिए। okay. तो मैंने एक जिंदगी में मैंने देखा था, मैं एक शादी में घर में था, तो जब औरतें खाने के लिए आती हैं तो हर एक अपने अपने झुंड में बैठता है। औरतों में तो खास ही है, लेकिन एक बेचारी औरत थी, गरीबी थी, उसकी ड्रेस अच्छी नहीं थी, उसके पास कोई बैठता नहीं था, सूरत शक्ल खास नहीं थी, तो वो अकेली पड़ गई। फिर हमें अपनी मस्तूरत लाने पड़े उसके साथ खाने। अब मैंने आर्ग्यूमेंट शुरू की है, आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, जनाब इसके डिसफिगरमेंट हुए, अब अगर ये शादी में जाए ये बच्ची तो इसके साथ कोई खाना नहीं खाएगा, इसको समाज एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, इसको समाज स्टिग्मा लग गया बिल्कुल। तो ये क्या कम ट्रामा है उसको, तो उनको क्या हक है बाहर रहने का। ये एक मैंने ग्राउंड, ये आर्ग्यूमेंट था आपका, ये आर्ग्यूमेंट था मेरा। दूसरा आर्ग्यूमेंट था, अब देखिए इसकी शादी कैसे हो सकती है, हालांकि सीरत मानी जाती है अच्छी चीज है, लेकिन सबसे पहले तो सूरत सूरत पे जब रिश्ता होता है तो सूरत देखी जाती है, सूरत ही जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा। तो जब मैंने ये इतने लॉजिक दिया, यकीन नहीं करेंगे, मुझे फील हुआ कि जज के आंसू भी निकल आए, और कोर्ट में जो वकील थे हमारे, जी फुल कोर्ट था, तकरीबन नीचे सीढ़ियों तक थे, मैंने पहले केस में देखा था कि वकील इंटरेस्टेड है इस केस की जजमेंट में, और मैंने पीछे देखा तो जो हमारी स्पेशली लेडी सिस्टर्स बच्चियां हैं वो सब रो रही थी, इट्स लाइक बहुत खतरनाक क्राइम है। फिर उस विक्टिम ने मुझे कहा कि आई वांट, शी इज आल्सो एन एडवोकेट नाउ। अच्छा, तो विक्टिम ने कहा मैं भी कुछ बताना चाह रही हूं, उसने भी आर्ग्यू किया, तो जज साहब ने फैसला दिया कि उम्र कैद इसकी हो गई टिल लाइफ। और एक मेरा बड़ा आर्ग्यूमेंट था कि जब उन्होंने इनको मारने की कोशिश की, व्हाट इज द गारंटी कि दे विल कम आउट, दोबारा नहीं होगा, कि दे विल लीव, हां इसको स्पेयर करेंगे, इसका जवाब नहीं निकला उनके लॉयर्स को। जी ओके, वो कहते थे ये यंग है जी, इनको सुधरने का मौका दिया जाए, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट वॉज नॉट कन्विंस्ड एंड दे वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इमेजमेंट। तो अब उसमें अपील हाईकोर्ट में है, चलती है, चलेगी, बहुत साल चलेगी। तो ये एक मैसेज मैं समझता हूँ जो मैंने इस केस में किया, मैं पैसे तो आते रहते हैं, प्रोफेशन में कमाया जितना अल्लाह ने रखा है आम ईमानदारी से, लेकिन मुझे लगा कि मैंने करोड़ों इस केस को जीत के पाए, माशाल्लाह, कि एक मैसेज, ज़मीर, एक रूह आपकी, एक मैसेज गई सोसाइटी में, इतनी मैसेज और इस तक किसी केस में नहीं गई। मेरा मानना है, दूसरे माने या न माने, लेकिन सोशल मीडिया पर तो क्लियरली है, तो नॉट ए सिंगल पर्सन हु हैज अपोजिट दिस जजमेंट, तो मुझे लगा मैंने ये अपना काम कर दिया, जो मैं जिसका मेरी एम थी वकालत में करने की, वो आज हासिल हो गया। यही नहीं है, इसके बाद 2016 में मेरी टर्म कंप्लीट हुई तो मेरा एक्सटेंशन नहीं हुआ, तो उस वक्त भी इस केस का फैसला नहीं हुआ था। तो इसका बाप आया इस लड़के मुझे कि आप कंटिन्यू कीजिए, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता जब तक आप लॉ डिपार्टमेंट,
तो इन्होंने चार की सुनी विक्टिम्स के पेरेंट्स ने लॉ डिपार्टमेंट एप्लीकेशन डाली कि नहीं हमें तेली साहब को दीजिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर. जब इन्होंने ये बोला मैंने कहा हाउ कॉन्फिडेंट दे आर ऑन मी. उन्हें पूरी तो लॉ डिपार्टमेंट लिखा मुझे कि वुड यू कंटिन्यू एज दीज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर दीज फोर केसेस ऑल द फोर केसेस वेयर विक्टिम्स ऑफ द विक्टिम वेयर लेडीज विक्टिम वेयर लेडीज. एक दो यहाँ थी हैदरपोरा की मरदपोरा मर्डर केस. सारे एसिड विक्टिम थे क्या? एसिड विक्टिम दूसरा था दूसरे थे. तो मैंने कहा यस बट लेकिन मैंने वॉलंटियर लिखा आई विल नॉट चार्ज एनी सिंगल पेनी फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो अल्लाह के फजल से चारों में मैंने कन्विक्शन लाया. चारों केसों में लाया कन्विक्शन है. तो मैंने एज प्रोफेशनिस्ट मैं कहूंगा तो प्रोफेशन तो ठीक है लेकिन आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने सोसाइटी के लिए कुछ किया. जैसे आपने प्रोफेशन की बात करी ना यहाँ एक अब आपके पॉइंट पर एक एक बात मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि जैसे तिली साहब बहुत सारे बच्चे डॉक्टर देख के डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं इंजीनियर बन रहे हैं और लॉ में भी बहुत ज्यादा रैशो अभी बच्चों का है. तो बहुत सारे लॉयर्स हैं आई थिंक ऐसे एग्जाम्पल जो बहुत है, बहुत ऐसे लायक लायर मतलब ये जो जिन समाज के लिए खड़े उठ के कुछ करते हैं जो अभी इस पेशे में जाते हैं आपको क्या लगता है कि कौन सा एक अंदर इंसान के अंदर ऐसा एट्रीब्यूट होना चाहिए कि वो इस पेशे को चूज करें टू बी अ लॉयर. इसमें इन्होंने मुझे पहले आपने प्रोफेशन की बात पहले इनके क्वेश्चन का मैं जवाब दूं दिले क्यों होता है. मेरा सवाल था जस्टिस डिलेड जस्टिस नहीं मेरा सवाल था कि जिनके पास अच्छा जिनके पास इतने वसाइल नहीं होंगे कि वो कोर्ट का फीस बेयर कर सकें या वकील को हायर कर सकें या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि कोर्ट में आने के बाद इज्जत इस तरह से उछाली जाती है कि लोग कहते हैं इससे बेहतर है कि हम इस बारे में बात ही ना करें. उस हवाले से इसमें मैं जवाब दूंगा जब हम यंग थे तो उस वक्त सोसाइटी का जो आज का दौर है ये ऐसा नहीं था. उस वक्त स्पेशली मेरे याद है अगर लड़की के नाम हम प्रॉपर्टी खरीद थी रजिस्ट्रेशन के लिए वो पसंद नहीं करती थी कोर्ट में आना. इसे लगता था कश्मीरी मिसाल है अल्लाह ताला दीन कोर्ट ही नहीं नाजात. बिल्कुल सही ये तो आम है लेकिन मैं बोलता हूँ जब आपको प्रॉपर्टी खरीदने कोर्ट में तो आना पड़ेगा. फिर अगर नजात मिल गई तो आप तो आ नहीं सकते. लेकिन आज वो चीज़ नहीं है क्योंकि लिटरेसी बढ़ गई है. स्पेशली उस वक्त हमारे जब मैंने शुरू वकालत की दो तीन लड़कियाँ थी वकालत में वो भी अलग बैठी थी. आज तो हमें मेरे ख्याल में हमारे बार में 600-700 लड़कियां हैं. हाँ बहुत अभी बहुत बच्चे इस प्रोफेशन को वो कहावत थी कोर्ट में जाने से ये वो नहीं है. दे फील सिक्योर बिकॉज देर आर फीमेल लॉयर्स एंड जो सब कोर्ट्स का जो स्टाफ है उसमें 50% लेडीज काम कर रही हैं. तो वो कंसेप्शन चला गया. अब इसी वजह से जब ये कंसेप्शन चला गया डर सा था जो कोर्ट में आने का वो मेरे ख्याल में 90% खत्म हुआ है. हाँ जो एक बदनामी का डर है तो सम एक्सटेंट कुछ फैमिलीज में वो रहता है कि क्यों जाए हम कोर्ट में. लेकिन आज जहाँ तक मैंने हम बाहर बची पढ़े लिखे हैं दे आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स. बिल्कुल दे वांट टू फाइट फॉर देयर राइट्स. और इसमें आप देख लिए दूसरा जो ये आपने बोला कि अफोर्ड नहीं कर सकते अफोर्ड क्यों नहीं कर सकते हैं उसमें भी गवर्नमेंट हैज कम टू देयर रेस्क्यू. एक जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है या फ्री लीगल एड भी दिया जाता है. लीगल एड दिया जाता है उनको भी. अब उनमें भी प्रॉब्लम है उनमें चॉइस का लॉयर नहीं होता. अच्छा बिल्कुल सही ये सही फरमाया. मैंने उनके सेक्रेटरी को बताया था कि चॉइस का लॉयर नहीं होता था. चॉइस का लॉयर वो उनका पैनल लॉयर होता है तो वो गैंगस्टर ही होते हैं. तो अगर कोई कहे लेकिन इन केसों में एक और एसिड केस हुआ है उसमें चॉइस का लॉयर होना चाहिए. चॉइस का लॉयर होना चाहिए उनको सब्जेक्ट इतनी तो सब्जेक्ट टू अप्रूवल चॉइस का लॉयर. और जहां तक अब आप समझते हैं जो वकील है हम वकला ब्रदर ही है आई हैव गुड फ्रेंड्स इन दिस लॉयर कम्युनिटी. द लॉयर तो एक सोसाइटी का मेंबर है ना. ये कैसे हो सकता है उसको सोसाइटी का दर्द ना हो. लेकिन अगर सोसाइटी के दर्द की आप बात करते हैं तो इन एसिड विक्टिम्स के ऑपोजिट जो वकला खड़े होते हैं तो वो कैसे खड़े होते हैं वो कैसे इसके आई विल रिप्लाई टू दिस. देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी टू द एक्यूज्ड एज वेल. ही हैज अ राइट टू डिफेंड. और उसमें अगर एक्यूज्ड को फाइनेंशियली ये कुवत ना हो कि वो लॉयर अफोर्ड करे डिफेंस के लिए क्योंकि डिफेंस को आपको देना है खुद वो कर नहीं सकता ही इज नॉट अ लॉयर. तो इसमें प्रोविजन है लॉ में कि गो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू आस्क द एक्यूज्ड एमिकस क्यूरी लॉयर. उसको एमिकस क्यूरी बोलते हैं. एक्यूज्ड को डिफेंड करने के लिए भी कोर्ट गवर्नमेंट पैसा देता है और उसको अपनी चॉइस का लॉयर मिलता है. यहाँ एक अंग्रेज दल में वो लेडी मारी थी एक अंग्रेज ने ही
बड़ा फेमस केस है, मैंने भी वो किया था उसको, उस अंग्रेज को हमने यहाँ से लॉयर दिया था कोर्ट ने। तो ये जो आपने सवाल किया है जो अपोजिट, आई डोंट थिंक इज अ लॉजिकल क्वेश्चन कि वो क्यों कह रहे केस। एक वकील का तो फंडामेंटल राइट है डिफेंड करना, डिफेंड करना। अब वो पहले ही कहेगा मुलजिम को कि आपने किया या नहीं किया। अगर वो कहेगा मुलजिम भाई ने मैंने किया, देन उसका जमीर जागेगा, वो नहीं वकालत कर सकते हैं। वकील के सामने, डिफेंस लॉयर के सामने एक्यूज जो होता है ये इनोसेंट होता है टिल द गिल्ट इज प्रूव्ड। तो फिर यहां पे आप जो इंसाफ का हकदार किसे कहेंगे, वो जिसे सजा मिले या जिसे जजा मिले, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर कंटेस्टिंग फॉर इक्विटी फॉर फेयरनेस। इफ एक्यूज इज कन्विक्टेड, इसका उसके साथ इंसाफ हुआ क्योंकि उसने गिल्ट किया है। ओके है ना। अब जब उसको विक्टिम को, तो हालांकि मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड, इसी उसकी तो जिंदगी गई है बिल्कुल, अब उनको सजा हो गई जेल में, इसको क्या मिला। नहीं टेली साहब, जो आपने बात कही ना, यहाँ पर आपने बात करी कि एक वकील का काम है केस लड़ना, ठीक। तो अगर एक विक्टिम के लिए वकील है जिसे ये मालूम है कि ये बच्ची तबाह हो गई है, खत्म हो गई है, और उसके जिस शख्स ने ये गुनाह किया है उसको भी वकील मिला है, और जैसा कि आपने कहा कि लास्ट तक ये नहीं पता होता वकील को कि वो गिल्टी है या नहीं है, तो उस वजह से उसका हक बनता है कि वो केस लड़े। एक अभी आपने बात की जब ये डिसाइड हो गया था कि ये गिल्टी है, उसके बाद क्वांटम पर आपने बात की, उस क्वांटम पर आपने अपनी दलील दी और उस क्वांटम पर डिफेंस लॉयर ने भी दलील दी, सही। तो वो डिफेंस लॉयर कैसे उस वक्त फिर ये जानकर कि ये इतना बड़ा क्राइम इसने किया है, क्या उस टाइम उसका जमीर नहीं होता? मैं कहूंगा इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, क्योंकि एक है डेटरेंट पनिशमेंट, पर्सनल आई बिलीव इन डेटरेंट पनिशमेंट, एवरी क्राइम क्रिमिनल शैल बी गिवन डेटरेंट पनिशमेंट, दिस इज माय पर्सनल वे। लेकिन दूसरा कंसेप्ट है हमारे लीगल इम्यूनिटीज का, सुप्रीम कोर्ट का, कि रिहैबिलिटेशन, चांस मिले कि उसको, सपोज जवानी में किसी ने किया कोई क्राइम, जवान 18 साल का है, 20 साल का है, तो इसको सुधरने का मौका मिल जाए। ये दूसरा कंसेप्ट डेवलपमेंट हुआ है, दिस इज वेस्टर्न कंसेप्ट, दो इस्लामिक कंसेप्ट इज नॉट दी, इस्लामिक में डेट एंड पनिशमेंट है, हाथ के बदले हाथ, कान के बदले कान, आंख के बदले आंख। लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है, क्या ये चांसेस है रिहैबिलिटेशन हो जाए, वो सुधर जाए, इसको एक मौका फराहम करनी चाहिए। इसी वजह से जो डिफेंस लॉयर है वो उनका आर्गुमेंट मैक्सिमम मिनिमम पनिशमेंट 10 साल की दी जाए, ये देयर आर चांस ऑफ रिहैबिलिटेशन, यंग है, गलती हो गई, ओके, सो दिस इज देयर डेट कम्स विद इन देयर ड्यूटी, दे हैव राइट। अच्छा ये उसका लॉजिक है, ये उसका लॉजिक है बिल्कुल। जी सर, हम इस पे और बात करेंगे। तो और भी एक है जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हम अपने नाजरीन को बता दें कि एक इंग्लिश प्रोवर्ब है विच इज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज ए नो एक्सक्यूज, तो लिहाजा आप सबको कानून जानने की बहुत जरूरत है। जैसे अक्सर बेशतर हम देखते हैं तबरेज भाई ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है, बिल्कुल, अक्सर हम उस पर चढ़ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि इस पर भी फाइन होना, बिल्कुल सही। तो लिहाजा कुछ ऐसे मामूली आपको जानना पड़ेगा। तो अभी प्रोग्राम में रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए, और वक्फे के उस पार इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप कहीं नहीं जाइए, हमारे साथ ही रहिए। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। گٹہ مزن یی زن گاش اس روزن پگہچ آش اس رشتن برہو گوڈ اس پکھن کڑھو باش سیمٹیکس سیمنز رشتن ہز مضبوط عمارت۔ تو ناظرین محترم یہ تجارتی وقفہ تھا، امید کرتے ہیں کہ آپ سب ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند بریکفاسٹ شو گڈ مارننگ جے این کے، اور گڈ مارننگ جے این کے میں آج اس پروگرام کی زینت بن کر بیٹھے ہیں آج کے ہمارے مہمان ایڈوکیٹ عبدالعزیز تیلی صاحب، جن سے ہم بات کر رہے ہیں اور ان سے جان رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے زندگی کا جو سفر ہے اسے
आगे लेके बढ़े, किस तरह से उन्होंने लोगों की खिदमत की, किस तरह से उन्होंने सोसाइटी की खिदमत की जो आज भी वो कर रहे हैं। तेली साहब, आपने 83 में LLB कंप्लीट करा, उसके बाद आपने बार ज्वाइन किया, 83 से लेकर 90s, अर्ली 90s तक की अगर हम बात करें, किस तरह के केसेस आप देखते थे कोर्ट में? क्योंकि आजकल जो हम, जो आपने पीछे 2009 से आगे की बात करी, उसमें आपने मर्डर केसेस, एसिड केसेस की बात की, तो क्राइम रेट बढ़ गया था। क्या 83 से लेकर 90s तक जो केसेस थे, क्या वहां पर भी आपको क्राइम देखने को मिलता था इस तरह का? लॉट ऑफ डिफरेंस है। जो 83 तक ये क्राइम रेट थी वो बहुत कम थी, और नेचर ऑफ द केसेस डिफरेंट थे। ओके, आज 90s के बाद नेचर ऑफ द केसेस चेंज हो गया। अच्छा, 83 में कभी कभार इंटेंशनल मर्डर नहीं होता था, साजिश नहीं होती थी, लड़ाई झगड़ा होता था। अच्छा, हाथापाई होगी, उसमें मर गया, गलती से कुछ उसमें मर गया जी। तो एसिड केस तो मेरे ख्याल में, जहां तक मैंने स्टडी किया है, 83 तक कोई एसिड केस जेंट के में हुआ ही नहीं था। हाँ, ये हुआ ही नहीं था यहाँ। तो आज 90 के बाद क्राइम रेट बढ़ गया, उसके लिए बहुत से एस्पेक्ट जिम्मेदार है, हमारे हालात जो बिल्कुल, एक तो वो, दूसरा जो आपने अभी मोबाइल की बात की जी, कर रहे थे, जो मोबाइल पे ये जो दिखा रहे हैं, बहुत से ऐसे सिखा रहे हैं बच्चों को चाकू जी, उसका असर बहुत हुआ। ओके, जो क्राइम आप मोबाइल में देखते हैं, अब जो बच्चे के जहन में आप भरेंगे वो वही कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और मैंने एक दफा देखा है कि एक घर में हुआ था कि सर्जरी दिखा करती थी, सर्जरी एक बच्चा दूसरे को बच्चों कर करता था, जिसमें टीवी में सर्जरी, उसने चाकू उठाया था। अच्छा, ये इतना असर पड़ा था, असर पर पड़ा, जो आपने मोबाइल की बात की, बिल्कुल सही, जो वल्गैरिटी आई है जी। ओके, इस वल्गैरिटी इज वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस रीजन फॉर क्राइम रेट इंक्रीज। दूसरा, जो हमारे ये मैदियत का जमाना आ गया, कंपटीशन, जो कंपटीशन है, हमारा लाइफस्टाइल बढ़ गया जी जी, देखा देखी होगी, देखा देखी, हमारे जो घरेलू जरूरियात उनका चेंज हुआ, यू नीड हाई क्लास सोसाइटी, यू नॉट एवरीथिंग इन योर होम जी, जब हर एक चीज हाई क्लास चाहेंगे जी, उसके लिए तो आपको पैसा कमाना है ना, बिल्कुल, तो इसके लिए गलत तरीके से पैसा किया कमाया जाता जी। ओके, जितनी आपकी लेस नेसेसिटीज हो जी, उतना आप ऑनेस्ट रहेंगे। बिल्कुल सही, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी है कि अगर आप नेसेसिटी की जिंदगी जीते हैं तो आप कभी भी गुनाहों में मुलवस नहीं होंगे, और जो ही आपने नेसेसिटी से लक्ष्यस लाइफ में पैर रखा तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जो बात आप कर, दूसरा जो क्राइम रेट है, मैंने जो 90s के बाद हुआ जी, जो मेट्रोमोलिन केसेस है जी, पिछले जिसमें दहाई में जब हम यंग लॉयर थे जी, उस वक्त इनकी रेट बहुत कम थी, डिस्प्यूट बहुत कम हुआ करती थी, फैमिली डिस्प्यूट। बिल्कुल, आज तो मेरे ख्याल में हमारे कोर्ट्स केसेस में 90% केसेस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से। तो इसमें रीजन, वजह क्या है कि शादी के एक महीने के बाद ही आपस में अनबन हो जाती है, और अब कोर्टों अदालत का दरवाजा खटकाते थे हमारे लेडीज। इसमें जहां तक मैं देखता हूँ कि 80% रिस्पॉन्सिबल है इसमें हस्बैंड्स, उनके घर वाले, ठीक, 20% लड़की का भी खतरा। हाँ, बिल्कुल, एक हाथ से नहीं, बस तराजू के दो। अब देख लीजिए, हमारा मजहब कहता है कि कानून है हमारा, आप ये ड्यूटी है आपकी, अपने बच्चों को पालना, अपनी बीवी को पालना है, बिल्कुल सही, लेकिन इग्नोरेंट है। अब क्या राव चली है, दूसरी राव चली है यहाँ कि नाजायज तरीके गैर इस्तेमाल करते हैं कि एक मुसलमान को चार बीवियां हैं, पहले बीवी को मैके में रखता है, दूसरी करता है यहाँ से, उसको कोई इंसाफ नहीं, और सूरह नसा की आयत छोड़ रहा है कि अगर आप पाल नहीं सकते, इंसाफ नहीं कर सकते, एक ही करो। ये कौन सा इंसाफ है कि वो उसको मैके में रखता है साल साल। इस वजह से अब गवर्नमेंट ने ये इनकी डिस्प्यूट्स कोर्ट में गए। ओके, तो वहां एक लॉयर का एक रोल होता है जी। मैक्सिमम लॉयर जो हमारे बार में है वो कोशिश करते हैं कि ये मामला आपस में सुलझ जाए, कंटेस्ट रह जाए। और मैंने देखे हैं, मैंने एक केस किया है, 18 साल के बाद मैंने एक कपल में सलाह, 18 साल के बाद, यू विल नॉट बिलीव सर, ओल्ड बात है। तो एक लड़की आई मेरे पास, उसने कहा मेरी दो लड़कियां हैं, अब इनकी शादी है, तो उसका बाप पूछता नहीं, अब कल मेरे इनका आ जाएगा रिश्ता, तो वो कहेंगे बाप कहाँ है, बाप कहाँ है। इतनी मेहनत की और 18 साल के बाद उनको
उनका सुलह हो गई, सुलह घर। बहुत दूसरा केस 12 साल के बाद एक जज साहिबा थी हमारी इस वक्त भी श्रीनगर में, 12 साल के बाद 15 दिन रही थी महके में इस ससुराल में, तो चली गई उधर। तो फिर जायदाद पर लड़ाई थी, तो वो लड़की बोलती है मेरा जायदाद दिखाया है, ये रिकॉर्ड बताओ। तो मैंने कहा मैं आपको जायदाद दिखाऊंगा और मेरे घर आ जाइए अपने वकील के साथ। वो वकील भी अच्छे थे। अच्छा। तो आए मेरे घर, मैंने घर वालों को कहा आज मेहमान आ रहे हैं, हमारे घर में मेहमान आएंगे, इसके स्वयं करान थे कहीं थोड़ा। तो ये आ गए, इसका वकील आ गए, उनको कबाब वबाब, ये हैरान रही लड़की, मुखाड़ी वकील है इसको क्या खिला रहे हैं, सच्ची बात बता रहा हूं खिला रहे। तो फिर मैंने उसके हस्बैंड को बुलाया, लाओ जी जायदाद, जायदाद लाई दिखाई, ये बेटा है अब घर जाओगे। कहा मैं घर जाऊंगी, उसमें तलाक भी हुई थी। अच्छा। ये तलाक, तो मैंने उसके भाई को बोला कि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ कि तो इनको दूसरी निकाह करने, निकाह करने हैं या नहीं करने हैं वो। तो यकीन नहीं कहेंगे, वो लड़का मैं और उसका दोस्त गए दूसरी बार शाम को, वहाँ खाना खाया, उन्होंने रिसीव किया, उसको लाया। अच्छा, लड़के के घर वालों ने लड़कों को अपने घर में नहीं रखा, मेरे इनलाज है, मैंने उनको वहाँ फ्लैट दिलाया किराया। दो दिन तीन के बाद मैं गया इस लड़की के पास, मेरे हमसागी, मेरे का बेटा कुछ जरूरत तो नहीं है, का नहीं ठीक है जी, मेरे का अगर कोई जरूरत हो मुझे फोन कर लेना। बहुत दूसरे चार दिन मैंने इसके ससुर को देखा, बड़ा पांच वक्त नमाजी है मेरे संबंध में। मैंने कहा गनी साहब आप गए बहू को लाए? नहीं। मैंने कहा क्या बात है, वो आप यहाँ रहती है, आपकी बेटी है। बिल्कुल सही। तो घर वालों के बगैर भी आप जा सकते थे उसके पास जी। और कल मुझे उसका हस्बैंड में, मैंने कहा आप कहाँ हो? कहा हम घर में एक साथ रहते हैं। अरे माशाल्लाह, बहुत ही खूब, बहुत बढ़िया। तबरेज भाई ये सोच मुगला हजरत के लिए भी कितना अच्छा है कि ये वकीलों गोइंग बियॉन्ड द बुक। यस, इसीलिए वजह निकल के कोर्ट से निकल कर भी चीजें सुलझाई जा सकती है। मैंने बोला आपको कि वकील भी सोसाइटी का मेंबर है और वो बहुत उसमें भी पेन है, हर एक वकील में 90% वकील में 10% होंगे जो खाली पैसों के पीछे भागते हैं, के पीछे भागते हैं। अब दूसरी वजह उसमें जो हमारी यंगस्टर्स हैं जी, मतलब हमारे सीनियर्स, क्या मैसेज उनके लिए जी, मैसेज चाहेंगे बिल्कुल, क्यों प्रोग्राम का आखिरी वक्त, मेरी मैसेज, मेरी मैसेज पहली सोसाइटी को जी कि जब भी कोई क्राइम ऐसा हो कम फॉरवर्ड टू द पुलिस, अपीयर एज विटनेस अगर आप विटनेस है इन द कोर्ट, डिपोज बिफोर द कोर्ट सो डेट कल्प्रिट्स कैन बी, देखिए जो जज जजमेंट देता है ऑन द बेस ऑफ एविडेंस देता बिल्कुल है, उसके सामने है। नहीं, अगर वो एविडेंस पर नहीं देता खुद ही अपना फैसला, उसको तो अल्लाह ताला पा करता है। बिल्कुल सही, वो बात नहीं है, वो ऑन द बेस ऑफ द एविडेंस। एविडेंस कब आई? जब लोग सामने, लोग सामने आएंगे, जब लोग सामने, यू शुड बी अवेयर ऑफ योर राइट्स एंड ऑल्सो योर ड्यूटीज। लड़क पर पत्थर है आप हटाते नहीं, हमारे मजहब है कि पत्थर हटाओ जन्नत की है, लेकिन हम देखते हैं पत्थर हटाते नहीं है, रखते ही है, रखते ही मैंने देखा वापस रख के जाते हैं, वापस रख दें तो हटाइए। When you will fulfill your duties, then right will follow to you. तब जाके आप एक इंसान कहलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल अजीज तेली साहब आपका, और हालांकि वक्त की कमी की वजह से हम बात को और आगे नहीं लेके जाएंगे, वरना दिल तो करता है कि आपके साथ और बहुत सारी बातें करें, क्योंकि आपके पास एक खजाना है सुनने के लिए, और आपकी हर एक बात एक मैसेज है हमारे समाज के लिए, हमारे देखने वालों के लिए। नाज़रीन मोहतरम, हमें पूरी उम्मीद है कि आज का ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये घंटे का सफर जो आपके साथ हमने बिताया, आपको अच्छा लगा होगा, आपने पसंद फरमाया होगा। इंशाल्लाह कल सुबह ठीक 8 बजे आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफिज़।